हाय गाइज, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग IPS RRB ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन पेपर से देखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि रीजनिंग सेक्शन से है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सात सम्मेलन विभिन्न विषयों पर, जैसे मार्केटिंग, वित्त, HR, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, प्रबंधन और बैंकिंग पर विभिन्न स्थानों में, जैसे मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, भोपाल और चेन्नई में आयोजित होना निश्चित हुआ। सम्मेलन सप्ताह के प्रत्येक दिन सोमवार से शुरू करते हुए रविवार तक होना निश्चित किया गया। सोमवार से शुरू होकर मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आगे बोल रहा है, हॉस्पिटैलिटी पर सम्मेलन हैदराबाद में शुक्रवार को हुआ। फ्राइडे को हॉस्पिटैलिटी पर सम्मेलन हुआ और हैदराबाद में हुआ। इसके आगे बोल रहा है, हॉस्पिटैलिटी और वित्त के सम्मेलन के बीच केवल एक सम्मेलन होता है। हॉस्पिटैलिटी और वित्त, तो वित्त यहाँ हो सकता है और वित्त यहाँ पे भी हो सकता है, वेडनेसडे को। ठीक, ये पॉसिबिलिटी है। आगे बोल रहा है, प्रबंधन पर सम्मेलन HR के तुरंत बाद और बैंकिंग के तुरंत पहले। प्रबंधन का जो सम्मेलन है, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, HR के तुरंत बाद और बैंकिंग के तुरंत पहले होता है। ठीक, ये तीनों ऊपर नीचे सेट होंगे सीक्वेंस में। अब आगे देखिए, प्रबंधन पर सम्मेलन इंदौर में नहीं होता है। प्रबंधन का जो सम्मेलन है वो इंदौर में नहीं होता है, इसको ध्यान देना है। आगे बोल रहा है, दिल्ली में सोमवार को सम्मेलन होता है। सोमवार को जो सम्मेलन होता है वो कहाँ होता है? दिल्ली में। आगे देखिए, बैंकिंग पर सम्मेलन और मुंबई में होने वाले सम्मेलन के बीच केवल एक सम्मेलन होता है। अब देखिए, HR, प्रबंधन और बैंकिंग, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है HR यहाँ हो, प्रबंधन यहाँ हो और बैंकिंग यहाँ हो। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है कि HR यहाँ पे हो, प्रबंधन यहाँ हो, बैंकिंग यहाँ हो। अब अगर बैंकिंग यहाँ होगी, ध्यान से सुनिएगा, अगर बैंकिंग यहाँ होगी तो बैंकिंग और मुंबई के बीच एक सम्मेलन होगा। अगर बैंकिंग यहाँ हो गई तो मुंबई यहाँ होना, जो कि दिल्ली है, गलत हो जाएगा, और मुंबई यहाँ होना चाहिए, हैदराबाद है, जो कि गलत होगा। इसलिए जो वाली ये पॉसिबिलिटी है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगी। ठीक, तो अब हम यहाँ पे इस पॉसिबिलिटी को भर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा HR, यहाँ पे हो जाएगा प्रबंधन और यहाँ पे हो जाएगा बैंकिंग। ठीक, अब आगे बोल रहा है, बैंकिंग और मुंबई में होने वाले सम्मेलन के बीच केवल एक सम्मेलन। यहाँ पे बैंकिंग है तो यहाँ पे मुंबई होगा। ठीक, आगे बोल रहा है, HR पर सम्मेलन मुंबई में नहीं होता है। HR पर सम्मेलन मुंबई में नहीं होता है, सही। पुणे में होने वाले सम्मेलन इंदौर में होने वाले सम्मेलन के ठीक पहले होता है। पुणे में होने वाला सम्मेलन इंदौर में होने वाले सम्मेलन से ठीक पहले होता है। पुणे में होने वाला सम्मेलन इंदौर में होने वाले सम्मेलन के ठीक पहले होता है। अब बताइए, पुणे और इंदौर, पहले पुणे का सम्मेलन होगा, उसके बाद इंदौर का सम्मेलन होगा।
यहाँ पे बोला गया प्रबंधन सम्मेलन इंदौर में नहीं होता, यहाँ पे इंदौर होगा नहीं, ठीक, यहाँ पे इंदौर होगा नहीं, पहले पुणे होगा फिर इंदौर, तो यहाँ पे पुणे भी नहीं हो सकता। तो पहले यहाँ पे अगर हम पुणे डालेंगे, यही ऑप्शन ही बचेगा, पुणे यहाँ पे हो जाएगा और बैंकिंग जो है जो वो इंदौर में हो जाएगा, ठीक। रियल इस्टेट पर होने वाला सम्मेलन सोमवार को नहीं होता, जब सोमवार को रियल इस्टेट नहीं होगा तो रियल इस्टेट कहाँ पे हो जाएगा, सैटरडे को हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, चेन्नई में होने वाला सम्मेलन मुंबई में होने वाले सम्मेलन के बाद नहीं होता, मुंबई के बाद चेन्नई नहीं आएगा, चेन्नई तब यहाँ पे आ जाएगा ना ट्यूजडे को। अब इसके बाद कौन सा स्थान बचा है अभी तक, यहाँ से भोपाल बचा है, तो यहाँ पे भोपाल हो जाएगा। और कौन सा विषय बचा है, विषय बचा है मार्केटिंग, मार्केटिंग यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से मेरा 1 से लेके 5 तक के सवाल सॉल्व हो गए, ठीक। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे हमें एक सीरीज दी गई है, इसको हमें देखना है और इससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, उपरोक्त व्यवस्था में दाएं से 19वें, दाएं से 19वें के दाएं 7वें कौन सा है। अब देखिए जब सेम सेम हो तो वहाँ पे हम माइनस करते हैं, तो R19 माइनस R7 कितना हो जाएगा, R12, इसका मतलब दाहिने से 7वां, दाहिने से 7वां यहाँ से हम गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो कि जेड है, ठीक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जेड, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, उपरोक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान हैं, अतः उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। H D A, एच डी ओ को ध्यान से देखिएगा, एच डी ए, डी और ए के बीच में एक और डी और एच के बीच में 2 अक्षर हैं, ठीक। अब आगे देखिए जे डब्ल्यू ई, जे और डब्ल्यू के बीच में, जे और डब्ल्यू के बीच में 2 हैं और W तथा E के बीच में, W तथा E के बीच में 4 हैं, ठीक। यहाँ से देखिए W और E के बीच में 4 लेटर हैं और W और J के बीच में 2 लेटर हैं, ठीक। इसलिए थोड़ा डिफरेंस है, ये भी अलग है। अब एक और हमें चेक करना है, चाहे जो चेक कर लीजिए, उसके बाद आंसर आपको पता चल जाएगा। 5 6 2 है, 5 6 2, 5 और 2 के बीच में 1 लेटर है, केवल ई है, देख रहे हैं आप, और 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में 2 है, ठीक। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी सेम सेम है, जबकि ऑप्शन नंबर बी हमें यहाँ पे आंसर मिल गया, ए असमान है, अलग है, ठीक। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक प्रतीक और तुरंत बाद एक अक्षर है। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं, ऐसे कितने व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट हैं, जिनके पहले सिंबल है और जिनके बाद लेटर है, ठीक। तो हम देखते हैं यहाँ पे डी, देखिए डी के पहले एक सिंबल है और डी के बाद एक लेटर है,
आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आर। आर के पहले एक सिंबल है और आर के बाद एक लेटर है। और आगे चलते हैं, हम देखते हैं डब्लू। डब्लू के पहले एक सिंबल है और उसके बाद एक लेटर है। और आगे चलते हैं, देखते हैं एच। एच देखिए, एच के पहले एक सिंबल है, एच के बाद एक लेटर है। तो यहाँ से हमें कितने कितने ग्रुप मिले? फोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, 3 से अधिक। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक अक्षर, कितने नंबर हैं जिनके पहले अक्षर और जिनके तुरंत बाद एक सिंबल हो? आइए देखते हैं इसमें। उपरोक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले एक अक्षर और तुरंत बाद एक सिंबल हो? तो आइए यहाँ पे देखते हैं सीरीज में जो दिया गया है। तो यहाँ से चार, फोर के पहले अगर हम देखें, फोर के बाद सिंबल नहीं है। आगे देखते हैं थ्री, थ्री के पहले लेटर है, थ्री के बाद सिंबल है। ठीक, एक हो गया। उसके बाद वन, वन को देखते हैं, पहले लेटर है लेकिन बाद में सिंबल नहीं है। इसके बाद देखते हैं टू, टू के पहले लेटर है, बाद में भी लेटर है, ये भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सेवन, यहाँ पे हम सेवन देखते हैं, सेवन के पहले लेटर है, सेवन के बाद सिंबल है। ठीक, और उसके बाद और कोई नहीं है। तो इस तरह से हमें कितना मिला? दो। सात लोग पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू और यक्स उत्तर की ओर मुख करके सीधी रेखा में बैठे हैं। उत्तर की ओर मुख किए हैं तो इसका मतलब इस साइड राइट होगा, इस साइड लेफ्ट होगा। ठीक, सब लोग उत्तर साइड मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? सात लोग। बोल रहा है आर रेखा के एक अंतिम छोर पर बैठा है। आर या तो यहाँ पे होगा या फिर आर यहाँ पे होगा। रेखा, सॉरी, टी के दाईं ओर उतने ही लोग बैठे हैं जितने उसकी बाईं ओर है। इसका मतलब टी कहाँ पे है? बीचों बीच। उसके बाद बोल रहा है यस यक्स की बाईं को तीसरे स्थान पर बैठा है। यस यक्स के बाएं को, यक्स के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, इस तरह से यस और यक्स के बीच दो लोग हैं। आगे बोल रहा है क्यू डब्लू के बाई बगल में बैठा है। क्यू जो है डब्लू के बाई बगल में है। क्यू रेखा के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। अब देखिए, यस और यक्स के बीच दो लोग होना चाहिए। अगर हम यस को यहाँ पे बैठाएंगे तो यक्स यहाँ पे बैठेगा। ठीक, और अगर यस को यहाँ पे बैठाएंगे, अगर यस को यहाँ पे बैठाएंगे तो यक्स यहाँ पे बैठेगा। ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है क्यू डब्ल्यू के बाईं बगल में बैठा है। क्यू यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे है, ये वाला ख़त्म। क्यू यहाँ पे है, डब्ल्यू यहाँ पे है, ये दोनों ख़त्म हो गए। अब कौन सा वर्ड बच रहा है? पी बच रहा है। पी यहाँ पे हो जाएगा और एक पी यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन लास्ट में बोल रहा है क्यू रेखा के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। यहाँ पे क्यू अंतिम छोर पर बैठा है तो ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। ठीक, तो अब इसके हिसाब से हम इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि सभी लोगों को दाएं से बाएं वर्णानुक्रम से बिठाया जाए तो कितने लोगों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? दाएं से बाएं, इसका मतलब इधर से बैठा जाएगा, पी क्यू आर यस टी डब्लू यक्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्यू, क्यू का जो स्थान है वो अपरिवर्तित रहेगा। इसका ऑप्शन होगा बी,
20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पी के दाएं को कितने लोग बैठे हैं। पी यहाँ पे है, पी के दाएं कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बोल रहा है, ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर निम्न पांच में से चार किसी प्रकार समान हैं, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा इस समूह में नहीं आता है। यस यस यहाँ पे है, पी पी यहाँ पे है, यक्स यक्स यहाँ पे है, क्यू क्यू यहाँ पे है, डब्लू डब्लू एक छोर पे बैठा है, इसलिए ये अलग है। ठीक, आगे बोल रहा है, निम्न में से यस के अगल बगल कौन बैठे हैं। यस के अगल बगल, अस यस यहाँ पे है, यस के अगल बगल आर व पी बैठे हैं, आर व पी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बोल रहा है, रेखा के दाएं छोर से चौथे व्यक्ति, दाएं छोर से चौथा व्यक्ति कौन है। डब्लू क्यू यक्स टी, दाएं छोर से चौथा व्यक्ति टी है। दाएं छोर से चौथे व्यक्ति के दाएं को दूसरा, तो टी के दाएं दूसरा कौन है, क्यू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्येक प्रश्न में कथन के नीचे दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। दिए गए कथन को सही मानते हुए पता करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन का अनुसरण करेगा और तदनुसार उचित विकल्प का चयन करें। कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। हम सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले निष्कर्ष पे जाएंगे। निष्कर्ष दिया गया है, जी इज लेस देन आर इक्वल टू ए। इसका मतलब हमें ए से जी तक जाना है और उसके साथ इज इक्वल टू बना रहेगा, एक ए से लेके जी तक और इज इक्वल टू के साथ। तो हम चलते हैं ए से बी, बी से सी, सी से डी, सब में इक्वल टू है और रास्ता क्लियर है। अब डी से जी तक जाना है। अब डी यहाँ पे है, डी से जी यहाँ पे, रास्ता क्लियर है। तो ए से जी हम पहुँच गए, तो ऑप्शन नंबर सॉरी निष्कर्ष फर्स्ट ट्रू है। अब हमें आगे बोल रहा है, यफ से आई तक जाना है। यफ कहाँ पे है, यफ यहाँ पे है। यफ से ई गया, ई से डी गया, अब डी से यच जाएंगे, यहाँ से यच से आई पहुँच गए ना, यफ से आई पहुँच गए। इसका मतलब ए भी आंसर करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें जो पहला निष्कर्ष है वो है एन इज लेस देन एफ। इसका मतलब हमें क्या करना है, एफ से एन तक जाना है। एफ कहाँ पे है, एफ यहाँ पे है। एफ से ना हम तो डी साइड जा सकते हैं ना बी साइड जा सकते हैं, जब हम कहीं जा ही नहीं सकते एफ से, तो पहला जो निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं करेगा। कैसे नहीं जा सकते, अगर मान लो हम इक्वल टू के साथ जा रहे हैं, एफ से डी जाएंगे, डी से ई जाएंगे, ई के आगे तो जा नहीं सकते, बंद हो गया रास्ता। अगर हम एफ से इक्वल टू के साथ बी पे जाएंगे और कहीं बी है नहीं, इसलिए जो पहला निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं करेगा। आगे बोल रहा है, यम से जाना है एफ के पास और इक्वल टू के साथ। यम कहाँ पे है, यम यहाँ पे है, यम से जी गए, जी से डी गए। ठीक, अब डी से यफ आ गए, डी से यफ आ गए, तो इसका मतलब निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड अनुसरण करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, इसका जो निष्कर्ष फर्स्ट है वो डब्लू इज ग्रेटर देन क्यू। इसका मतलब हमें डब्लू से क्यू पर जाना है। डब्लू यहाँ पे कहाँ पे है, डब्लू यहाँ पे है। डब्लू से ई गए, ई से डी गए, ठीक, डी से जे गए, जे से क्यू गए। तो फर्स्ट निष्कर्ष, फर्स्ट पहला जो निष्कर्ष है वो आंसर कर रहा है। अब हम दूसरा निष्कर्ष चेक करते हैं, के से सी जाना है। के कहाँ पे है, के यहाँ पे है, ठीक। के से जी जा सकते हैं, जी से डी जा सकते हैं, डी से
यक्ष जा सकते हैं, यक्ष से सी नहीं जा सकते, ठीक, यक्ष से सी नहीं जा सकते, इसलिए जो दूसरा निष्कर्ष है वो फाल्स हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ फर्स्ट आंसर करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 है, इसका पहला निष्कर्ष है ए से एफ जाना है, ए से बी गए, बी से जी, जी से ई, ई से एफ, पहुंच गए ना, ए से एफ पहुंच गए, तो इसलिए निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है। अब हमें जाना है बी से डी, बी यहाँ पे है, बी से जी गए, जी से डी नहीं जा सकते, तो ये वाला गलत हो गया, सिर्फ फर्स्ट आंसर करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 का पहला निष्कर्ष है क्यू से जेड जाना है, क्यू से जेड जाना है, तो क्यू यहाँ पे है, क्यू से सी गया, सी से ई गया, ई से ई से क्यू से सी गया, सी से ई गया, ई से आर गया, ठीक। अब देखिए आर से ओ पे चले गए, ठीक, ओ यहाँ पे है, ओ से यक्स गया, यक्स से जेड गया, हमें पहले देख लेना है कामन क्या है, हमने यहाँ पे आर पे गया, यहाँ पे आर कामन है, तो आर से ओ पे गया, देखा वो अगले वाले में कॉमन है, ओ से यक्स गया, यक्स से जेड गया, क्यू से जेड हम पहुंच गए, तो फर्स्ट जो निष्कर्ष है वो फॉलो कर रहा है। आगे बोल रहा है जेड से क्यू, जेड से क्यू बराबर के साथ जाना है, जेड यहाँ पे है, जेड से हम यक्स साइड जा ही नहीं सकते, तो ये वाला आंसर नहीं करेगा, केवल फर्स्ट आंसर कर रहा है, सिर्फ फर्स्ट आंसर कर रहा है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई 5 त्रिअंकीय संख्याओं पर आधारित है, इसमें है 428, 391, 745, 682 और 534। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, यदि प्रत्येक विषम संख्याओं के अंतिम अंक में एक जोड़ा जाए, प्रत्येक विषम संख्याओं के अंतिम अंक में एक जोड़ा जाए, और प्रत्येक सम संख्याओं के अंतिम अंक से एक घटाया जाए, तो इस तरह बनी निम्नतम विषम संख्या और निम्नतम सम संख्या के बीच अंतर क्या होगा? निम्नतम जो विषम संख्या बनेगी वो ए बनेगी 392, और निम्नतम सम संख्या बनेगी, सॉरी, निम्नतम सम संख्या 392 बनेगी, निम्नतम विषम संख्या बनेगी 427, इन दोनों के बीच अंतर क्या होगा? 35। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक और दूसरे अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए, तो इस तरह बनी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी 931, और दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ए होगी, क्योंकि इसका बीच का अंक जो है 8 है और इसका बीच का अंक 9 था, इसलिए सबसे बड़ी हो जाएगी, ए हो जाएगी दूसरी सबसे बड़ी। इनके बीच का अंतर क्या होगा? 69। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, यदि प्रत्येक संख्या के मध्य अंक से एक घटाया जाए, तो इस तरह बनी संख्याओं में से कितनी 3 से विभाज्य होगी? इसका मतलब क्या हुआ? सभी अंकों को जोड़ के एक घटा दीजिए और वो 3 से विभाजित हो। 4, 2, 6, 8, 14, 14 में से गए 13, 9, 3, 12, 1, 13, 9, 3, 12, 1, 13, 1 घटा 12, 7, 4, 11, 5, 16, 1 घटा 5।
8 6 14 2 16 इकट्ठा 15, 5 3 8 4 12 इकट्ठा 11। तो इनमें से कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 3। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, यदि सभी संख्याओं को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में लगाया जाए तो बाएं से चौथी संख्या के 3 अंकों का योग क्या होगा? अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है? 745, उसके बाद है 682, उसके बाद है 534, उसके बाद है 428, उसके बाद है 391। बोल रहा है चौथी बाएं से चौथी, बाएं से चौथी पहली दूसरी तीसरी चौथी ये हुई 428। तीनों अंकों का योग कितना है? 4 2 6 8 14। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर बोल रहा है, यदि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को पहले अंक से विभाजित करें तो मान क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डाटा सफिशियंसी से। इसमें दो कथन दिए गए हैं, दिए गए दो कथन फर्स्ट और सेकंड पर आधारित हैं। आपको तय करना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिए गए कथनों के आंकड़े पर्याप्त हैं या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, जो इसमें हमें बताना है सेन, सान, जासफ और जेसन में सबसे बड़ा कौन है, इसको पता लगाने के लिए हमें दोनों निष्कर्ष की ज़रूरत है या एक निष्कर्ष की ज़रूरत है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला निष्कर्ष जो बोल रहा है वो जेसन, पहला जो कथन बोल रहा है वो कह रहा है जेसन सेन और जोसेफ से बड़ा है। आगे बोल रहा है सान जो है जोसेफ से छोटा है, सान जो है वो जोसेफ से छोटा है। ठीक, तो सबसे बड़ा कौन है इसका पता लगाने के लिए हमें दोनों कथन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, नहीं तो अगर दूसरा कथन ना लें तो ये भी तो हो सकता है सान जो है जेसन के पहले आ जाए। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ई जो होगा वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ई है, दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट स्नो को रंगकूट भाषा में क्या लिखेंगे? व्हाइट स्नो को कूट भाषा में क्या लिखेंगे, इसको कैसे पता लगाएंगे? इसका पता लगाने के लिए दोनों की ज़रूरत है या नहीं। ग्रीन को ब्लैक कहते हैं, ब्लैक को ब्लू कहते हैं और ब्लू को रेड कहते हैं, रेड को व्हाइट कहते हैं और व्हाइट को ऑरेंज कहते हैं। व्हाइट स्नो को क्या कहेंगे? भाई इसमें तो स्नो का कहीं नाम ही नहीं आया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कथन फर्स्ट और सेकंड आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस और टी में से कौन सबसे हल्का है? यहाँ पे बोल रहा है आर क्यू और टी से भारी है, आर जो है वो क्यू और टी से भारी है। क्यू और टी से भारी है, आर क्यू और टी से भारी है। टी कहाँ है और क्यू कहाँ है, आगे है पीछे है कुछ पता नहीं है। फिर दूसरे में बोल रहा है यस सबसे भारी नहीं है, यस सबसे भारी नहीं है, सॉरी आर क्यू और टी से भारी लेकिन यस से हल्का है, ये तो कन्फर्म है यस से हल्का है। फिर बोल रहा है यस सबसे भारी नहीं है, यस सबसे भारी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पी यहाँ पे रहेगा। ठीक, अब सबसे हल्का कौन है ये तो कन्फर्म नहीं है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, कथन फर्स्ट और सेकंड आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये हमें कन्फर्म नहीं हो पा रहा है सबसे हल्का टी है कि सबसे हल्का
क्यू है, ठीक। इसका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक तीन पीढ़ियों के परिवार में सात लोग हैं, यम यानी कि भतीजी है, यम जो है यानी कि भतीजी है, ओपी की सिस्टर इन ला है, यानी कि भतीजी है। यम यानी कि भतीजी है, उसके बाद बोल रहा है ओ पी की सिस्टर इन ला है, ओ पी की सिस्टर इन ला है, पी की सिस्टर इन ला है, ओ पी की सिस्टर इन ला बन गई। उसके बाद क्यू आर की दादी के इकलौते लड़के की बहन है, क्यू आर के दादी आर के दादी क्यू आर के दादी के इकलौते लड़के की बहन है, क्यू आर के दादी क्यू जो है आर के दादी की इकलौते लड़के की बहन है, क्यू जो है वो आर के ये आर है इसकी दादी ये बन गई, इसके इकलौते लड़के की ये बहन है, ठीक, तो इसकी शादी हो गई। आगे बोल रहा है यन और पी खून से संबंधित नहीं है, यन और पी खून से संबंधित नहीं है, सही। और यश के केवल एक पोती है, ये यश है, यश की केवल एक पोती है, ये पोती हो गई यम, तो ये जो है पोता हो जाएगा, ठीक, ए बन गया इसका ट्री। आगे बोल रहा है आर यम से किस प्रकार संबंधित है, आर यम से किस प्रकार संबंधित है, तो ए हो जाएगी कजिन, ठीक। यदि कोई बाहरी यक्ष यश से आकर शादी कर लेता है तो यक्ष क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यक्ष क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो यक्ष जो है पिता हो जाएगा क्यू का, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से, बोल रहा है बिंदु यन बिंदु वाई जो बिंदु यस के दक्षिण में आठ मीटर की दूरी पर है, के पश्चिम में सात मीटर की दूरी पर है, ठीक। बिंदु यन बिंदु डब्लू के उत्तर में है, बिंदु यन जो है वो बिंदु डब्लू के उत्तर में है 15 मीटर की दूरी पर। फिर आगे बोल रहा है तथा बिंदु सी के पश्चिम में 10 मीटर की दूरी पर है, बिंदु सी के पश्चिम में 10 मीटर की दूरी पर है कौन, यन, तो यहाँ पे 3 मीटर यहाँ पे हो जाएगा सी। आगे बोल रहा है बिंदु ए बिंदु के बिंदु ए जो है वो बिंदु के जो बिंदु W के जो बिंदु W के पूर्व में 20 मीटर की दूरी पर है, बिंदु A बिंदु K जो बिंदु W के पूर्व में 20 मीटर की दूरी पर है, के उत्तर में 12 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से 12 मीटर की दूरी पर बिंदु A है, A T के दक्षिण में है, A जो है वो T के दक्षिण में है, जो वाई के साथ सीधी रेखा बनाता है, जो वाई के साथ सीधी रेखा बनाता है, ठीक।
अगर ये 20 है, ये 7 3 10 हुआ तो ये 10 होगा, ठीक, ये 12 हुआ तो ये 3 होगा, टोटल 15 है तो 12 3 15 हो जाएगा। अब अगला, अब 38 क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, यन के संदर्भ में कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है, यन के संदर्भ में कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। अब देखो 15 है 20 है तो 25 होगा, ठीक, 25 मीटर और किस साइड है, ये उत्तर है और पश्चिम है, 25 मीटर उत्तर पश्चिम, इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है यश टी के संदर्भ में किस दिशा में है, यश टी के संदर्भ में किस दिशा में है, उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बिंदुओं के दिए गए संयोजनों में से कौन सा आयत का निर्माण करता है, यन टी के डब्लू, ये एक आयत का निर्माण कर रहे हैं, ठीक, यन के टी डब्लू, चलिए देखते हैं। हाँ तो रीजनिंग का पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है, आगे देखेंगे मैथ्स के क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।